हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट की। फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट, यूनिट से पहले हम लोगों को क्वांटिटी की बात करनी चाहिए। क्वांटिटी की बात हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में कर ली है। तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट किसको कहेंगे? अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज पता है तो फंडामेंटल यूनिट के बारे में आप लोग इजिली बता सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज विच डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। तो यहाँ पे जो ये 7 मैंने मेंशन की हुई है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आज हम लोग इनकी यूनिट्स की बात करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? तो फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट विच डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं। बाद में बात करेंगे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी की, डिराइव्ड यूनिट की। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये हमारे YouTube चैनल है, आप लोग इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल पे आपको केमिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये चैनल है, और ये जो है ये फिजिक्स के लिए है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देख लें, बहुत आप लोगों के काम आएंगे। तो चलिए, फंडामेंटल यूनिट। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ की यूनिट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में यूज करते हैं। मास को हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम में। और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में। इनकी ये सबसे छोटी यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं मोल में। और करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। अब देखिए, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये तो इनके नाम हो गए यूनिट के। इनका अगर अगर हम लोग सिम्बॉल लिखेंगे यहाँ पे, तो सिंबल लिखने के लिए लेंथ के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्मॉल एम। मास के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्मॉल के और स्मॉल जी। टाइम के बाद में आप लोग सेकंड, सेकंड के लिए आपको स्मॉल एस लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल के, ये आएगा कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है कैंडेला, कैंडेला के लिए हम लोग लिखते हैं सी और स्मॉल डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखते हैं, और मोल जो है वो होता है एम ओ एल लिखना पड़ता है हम लोगों को। और करंट के लिए यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर के लिए हम लोगों को कैपिटल ए लिखना रहता है। तो देखिए, केल्विन और एम्पियर, इन दो के नाम जो हम लोगों ने लिखे थे, वो नाम तो हम लोगों ने स्मॉल के और स्मॉल ए से स्टार्ट किए थे, लेकिन इनके सिंबल जो लिख रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को कैपिटल ए और कैपिटल के का यूज करना पड़ेगा। ये ऐसा ही यूनिट जो होती है, जिसका नॉर्मन क्लेचर हम लोग करते हैं, शॉर्ट फॉर्म या सिम्बॉल लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, मीटर के लिए स्मॉल एम, केजी के लिए भी स्मॉल के और स्मॉल जी। आप अगर कैपिटल के और जी लिखते हैं तो वो आप गलत एसआई यूनिट लिख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कैंडेला सी डी जो है स्मॉल सी है और स्मॉल डी है। आप इसको अगर कैपिटल सी और डी लिखते हैं तो आपको फिर जाना पड़ेगा केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में आप लोगों को ये एलिमेंट का एक सिम्बॉल मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिखते हैं, उसी तरीके से ये एक सिंबल बन जाएगा। तो अगर आप इसको कैंडेला जो यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको आप C और D नहीं लिख सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, कि कभी भी हम लोग इनके लास्ट में डॉट नहीं लगाते हैं। आप सोचे कि ये शॉर्ट फॉर्म है, तो ये शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मीटर है, मीटर के लिए मैं एम लिख दूं और डॉट लगा दूं, तो आपने गलत कर दिया है, मिस्टेक कर दी है। ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा यूनिट मेंशन करने में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कहीं किलोग्राम लिखा है, किलोग्राम लिखने के बाद में आप डॉट लगा दे, नहीं, ये जो है ये इनके सिंबल है और इनके बाद में डॉट नहीं लगता है। तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ये इंडिपेंडेंट है ईच अदर। मतलब कि मीटर जो है वो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, किलोग्राम या मास जो है वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। इसी तरीके से इसकी दो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती है, क्वांटिटीज होती है। जैसे एक होती है एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। इन दोनों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। जैसे अगर कोण देखें या स्फेयर देखें हम लोग, तो स्फेयर में अगर एक कोण निकाला हम लोगों ने, तो वहां पर एक बनता है सॉलिड एंगल। ठीक है, और एंगल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो एंगल की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट, वो होती है रेडियन। ये स्मॉल आर आएगा, रेडियन। और यहाँ पे जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन। और रेडियन को हम लोग आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टे रेडियन इसको हम लोग एस आर से यूज रिप्रेजेंट करते हैं।
अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। तो डिराइव्ड यूनिट के पहले डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग डिराइव करते हैं, जो डिपेंड करती है फंडामेंटल यूनिट्स पे। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ही ले लूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया एरिया, ठीक है। अब एरिया का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ को भी मेजर करेंगे तो आप काई में मेजर करेंगे, मीटर में, और ब्रेथ को भी मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, एम में, है ना। तो आप लोगों को अगर लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है तो आप एरिया डिराइव नहीं कर सकते या फाइंड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो एरिया है ये कौन सी हो गई, डिराइव क्वांटिटी हो गई, और इसकी जो यूनिट आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट मतलब दोज यूनिट विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी ये यूनिट फाइंड करना है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मीटर मीटर और क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो एरिया की जो यूनिट है वो हो जाएगी स्क्वायर मीटर, और इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए हम लोग निकाल सकते हैं क्यूब मीटर। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल आप लोग मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे फोर्स के लिए होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास के लिए तो केजी आ जाएगा, एक्सिलरेशन के लिए आप लोगों को लिखना रहता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट लिख दें, टाइम की यूनिट लिख दें, वहां से आप लोग उसकी फोर्स की यूनिट डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, ये अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं आप लोग, और ये वीडियो अच्छा लगने पे आप इस वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।